और ओ बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सब संतन की जय, मेरे बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदाई जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरु देव भगवान की जय। ठीक है, गाओ जी गाओ अभी आप हैं। सिमरन बोल मेरे गुरु महाराज की जय जय। वाह जय जी, बहुत सुंदर। जय बाबा जी दया करना, ये तेरी मेरी तोड़ने जाए। बाबा जी दया करना, कि तेरी मेरी तोड़ने जाए। तेरे बच्चियानू पुल के भी कदे अभिमान ना, तेरे बच्चे आनु पुल के भी कदे अभिमान ना आए। बाबा जी दया करना, के तेरी मेरी तोड़ निभ जावे। जी जे सुख देवे कदे ना सा, जे दुख देवे कदे ना रोवा। जे सुख देवे कदे ना हसा, जे दुख देवे कदे ना रोवा। बस इतना ख्याल जरूर रखना, के बच्चा तेरा डोल ना जावे। बस इतना ख्याल जरूर रखना, के बच्चा तेरा डोल ना जावे। बाबा जी दया करना, के तेरी मेरी तोड़ निभ जावे। तेरे चरना दे विच मेरा खुल जाए जग सारा। तेरे चरना दे विच मेरा ते पुल जावे जग सारा। ऐसी मस्ती दे विच रंगना, के रंग कोई वाह, हो नावे। ऐसी मस्ती दे विच रंगना, के रंग कोई होर ना आवे। बाबा जी दया करना, के तेरी मेरी तोड़ निभ जावे। तेरे बच्चियानू पुल के भी कदे अभिमान ना।
जान को होता है मुख तेरा टूट जाए सब दुख मेरा जद देखा मैं मुख तेरा ता टूट जाए सब दुख मेरा उन जल्दी आदर्श तू देखा के दिल मेरा तर ले तेनू पावे उन जल्दी आदर्श तू देखा के दिल मेरा तर ले तेनू पावे बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए तेरे बच्चियाँ पुल के भी तेरे अभिमान ना आए तेरे बच्चियाँ पुल के भी कदी अभिमान ना आए ओ दाता जी दया करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय रेखा आंटी जी बोल बांके बिहारी लाल की जय तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने ओ दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने ओ दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने परी सभा विच वाजा मारे द्रौपदी नारी ए परी सभा विच वाजा मारे द्रौपदी नारी ए ओ जल्दी राखो लाज मेरे कृष्ण मुरारी ए ओ जल्दी राखो लाज मेरे कृष्ण मुरारी ए उस दी हालत वेख के सारे पंछी रोंदे ने उस दी हालत देख के सारे पंछी रोंदे ने दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने ओ दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने तपदा खंबा देख पैर लात रोलिया तपदा खंबा देख पर लात रोलिया हुन नहीं बचदा पुत्रा ए इंकार बोलिया हुन नहीं बचदा पुत्रा ए इंकार बोलिया कीड़ी रूप बन के प्रभु जी दर्श दिखांदे ने कीड़ी रूप बन के प्रभु जी दर्श दिखांदे ने
दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने। ओ दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने। इस जग दे अंदर प्रीत पराईए, इस जग दे अंदर प्रीत पराईए। अपने अपने मतलब दे सब पैन पाई ने। अपने अपने मतलब दे सब पैन पाई ने। अपने अपने मतलब से सब गले लगाउंदे ने। अपने अपने मतलब से सब गले लगाउंदे ने। दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने। तू की जाने सांवरिया की दुखड़े हुंदे ने। दिल तड़फदा देख मेरे नैन रोंदे ने। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा बोले रेखा बहन जी, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा गाओ जी, गाओ जय बापू जी, जय जय बापू। शीला जी आवाज आ नहीं रही। शीला जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और बांके बिहारी लाल की जय। नाथ नारायण वृंदावन चली आई तेरी वृंदावन चली आई मैं बरसानी से हो आई चली आई मैं बरसानी से हो आई। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई। सुना है मेरे मन मोहन के तुम बंसी बजाते हो। सुना है मेरे मन मोहन बंसी बजाते हो। मेरे रसिया को मन बसिया है बंसी साथ ले मेरे रसिया को मन बसिया मैं बंसी साथ बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई। सुना है मेरे मन मोहिना कि तुम गावे चराते हो। सुना है मेरे मन मोहिना चराते हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं ग्वाले साथ ले आई। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं ग्वाले साथ ले आई। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई। सुना है मेरे मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मेरे मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। या वो मन बसिया मैं मटकी सा ले आई। मेरे रसिया वो मन बसिया मटकी सा ले आई। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई।
सुना है मेरे मन मोहन कि तुम रास रचाते हो, सुना है मेरे मन मोहन रास रचाते हो, के रसिया हो मन बसिया मैं सखियां साथ ले आई, मेरे रसिया हो रसिया मैं सखियां साथ मेरी मुरली की धुन के मैं वृंदावन चली आई, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई मैं बरसाने से हो आई, चली आई मैं बरसाने से हो आई, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंदावन चली आई। बोल बांके बिहारी लाल की जय, वाजी वाह, बहुत सुंदर, तेरी बंसी की धुन सुन के वृंदावन। हां जी हां जी, जय बापू जी, जय बापू जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। की होया ये कंजरी कहावा पर जात जिल ना भांग दिए, मोहे अपना पर या ना दिल भांग दिए, दरबार में माता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, जो राधे राधे कहते हैं ये उनकी नजरों में रहते हैं, दुनिया में जो बदनाम हुए वहाँ यहाँ गोद बिठाए जाते हैं, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दुनिया जिनको ठुकराती है बरसाने बुलाए जाते हैं, राधा रानी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है, इनके होते कोई कुछ ना कहे क्या उसकी ये औकात है, कोई कुछ कहे कुछ ना नहीं कहना कुछ कहे, कुछ इनके कहे होते हुए इनके कुछ होते कोई कुछ कहे क्या इस किसकी ये औकात है, चाहे काली घटाए तो क्या उनके आंचल के नीचे हूँ मैं, मेरे आगे श्री रामा यूं है मेरे आगे श्री श्यामा यूं है, चलता उनके पीछे हूँ मैं, ये सुनती मेरी बात है फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है, इनकी महिमा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से इनका सहारा लिया जिंदगी में कोई गम नहीं, जब से इनका सहारा लिया जिंदगी में कोई गम नहीं, करती रहमत की बरसात है फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है, क्यों भटकता यहाँ और वहाँ उनके चरणों में आ बैठ जा, तेरी बिगड़ी बना देगी वो जरा दिल की कहानी सुना, ये कराए एक नैया से मुलाकात, ये कराती
कन्हैया से मुलाकात, फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जी जय, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात, बिल्कुल भी डरने की क्या बात। जय बापू दी, जय बापू दी, जय सच्चिदानंद जी महाराज आपकी सदा। मैंने गुलाटी साहब जी को भी सुन ली बेटा, क्या कह रहे दीदी? निशा तो बात चलेगा, अभी गए लगाओ हाजरी, नहीं हाँ जी लगाओ। धन्यवाद नहीं करता, एक छोटी सी कथा है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति रोज सुबह नमाज के वक्त जोर से चिल्ला कर कहता था, हे परमात्मा एक बात ख्याल रखना, जब भी लूंगा पूरे 100 रुपए लूंगा, कम मैं ना लूंगा, जब भी तुझे देना हो 100 की पूरी थैली गिरा देना, और धन्यवाद ध्यान रख 99 भी ना लूंगा। पड़ोस का एक आदमी रोज ये सुनता था, उसे मजाक सूझी, उसने कहा कि रोज ये एक ही बात किए जा रहा है और 99 तो ये लेगा ही नहीं, तो खतरा भी नहीं है, ये मेरी थैली रख लेगा। तो उसने एक थैली में 99 रुपए रख कर जब दूसरे दिन वह नमाज पढ़ रहा था, उसने छप्पर में से नीचे गिरा दी। उसने नमाज बीच में ही छोड़कर पहले रुपए गिने और फिर कहा, वाह रे वाह, 1 रुपया थैली का काट लिया। आदमी धन्यवाद भी देने को राजी नहीं है, उसने फिर भी शिकायत की ही कि वाह रे वाह, 1 रुपया काट लिया, 99 मिल गए, धन्यवाद नहीं दिया थैली का। ये इंसान की सोच है, हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिसने मजाक किया तो उसको महंगा पड़ गया, 99 रुपए गए। ठीक है सर, मैंने निशा जी इतने ओपन में ना मेरे जैसों की बातें नहीं करते। देखो जी गुरमुख है गए, आप महाराज दे लड़ लगे, आप सारे शुक्र गुजार ओदी बख्शिश होंदी है ते बंदा गुरमुख बन सकदा है। तुसी कहो के मैं गुरमुख बन जावा, तुहाडे वास जी नहीं होंदा, ओदियां बख्शिशां नाल ही तुसी गुरमुख बन सकदे हो। बदले ना उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे ने, क्योंकि राह बड़ा औखा है, आप ओदे टुर नहीं सकते, और उन्होंने चुगली ते इधर उधर दिया उन्होंने बारे फैला देनी गल ओ सौखी लगती है। So, अपना रस्ता चुन लेंदे, उस तरह की बख्शिश मनमुख बन गए, सनमुख बने, वो सारे उसकी बख्शिश के सिवा कुछ भी नहीं है। चलो Absolutely. 2 मिनट लाई। सतनाम 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 जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, तेरा सब सद
का वाहे गुरु जी तेरी सब रचना वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख दियो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी ए सज्जन स्वामी मोरा ओ कदे न बोले कोड़ा सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु बोलिए कदे भी न डोलिए वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना वाहे गुरु कहना सदा सुखी रहना सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी जपो वाहे गुरु जी ओ 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 जपो वाहे गुरु जी वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु की फतेह जी थैंक यू जी वाह फतेह जी फतेह बहुत सुंदर जी उषा छाबड़ा जी का फोन आ रहा जय बापू जी जय बापू जी ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा सदा राम जी महाराज आपकी सदा जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल जिथे जावा गोपाल मेरे नाल मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल शाम मेरा जदों माखन खावे शाम मेरा जदों माखन खावे मैं मिश्री बन जावा गोपाल मेरे नाल मैं मिश्री बन जावा गोपाल मेरे नाल गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल
मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाम, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाम, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाम, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाम। शाम मेरा जदों गौआ चरावे, शाम मेरा जदों गौआ चरावे, मैं ग्वाल बन जावा गोपाल मेरे नाल, मैं ग्वाल बन जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल। शाम मेरा जदों रस रचावे, शाम मेरा जदों रस रचावे, मैं गोपी बन जावा गोपाल मेरे नाल, मैं गोपी बन जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल। शाम मेरा जदों लाड़ लड़ावे, शाम मेरा जदों लाड़ लड़ावे, जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल। शाम मेरा जदों आसन जमावे, शाम मेरा जदों आसन जमावे, मैं आप विच जावा गोपाल मेरे नाल, मैं आप विच जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल। शाम मेरा जदों सेहरा बांधे, शाम मेरा जदों सेहरा बांधे, मैं राधा बन जावा गोपाल मेरे नाल, मैं राधा बन जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल। शाम मेरा जदों गीता सुनावे, शाम मेरा जदों गीता सुनावे, मैं अर्जुन बन जावा गोपाल मेरे नाल, मैं अर्जुन बन जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल,
मैं उड़ी उड़ जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जीते जीते जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जीते जीते जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जीते जीते जावा गोपाल मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, गोपाल मेरे नाल कन्हैया मेरे नाल, मैं जीते जीते जावा गोपाल मेरे नाल, मैं जीते जीते जावा गोपाल मेरे नाल। वृंदावन बिहारी लाल काल की जय, चोर वाले आए आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, गोपाल मेरे नाल, बहुत सुंदर। रेणु जी हां जी, चांदी दी भी आ गई, सब नु नमस्कार। जो भी तैयार है गाजे जयकारा लगा के, निशा तैयार है, मेरा निशा पहले गाना चाहती है, नहीं उनकी हाजिरी लग गई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ सेंड कर दी थी। ओम शनिशा रेनू, क्या रेनू ने कुछ कहा है? हाँ रेनू वो बोल रहे, मैंने ठीक से बोली थी, मैंने सेंड कर दी थी ना आपको, वो आपने अभी तक शो नहीं हुई है क्या? आपने देखा है उसको? अच्छा मैं देख लेता हूँ। अच्छा थैंक यू थैंक यू। किशोर किशोर जी को भी नमस्कार। हाँ जी ओम शनिशा झंडे की सदा जय, बोले बांके बिहारी लाल रामा वे मेरी मटकी भर दे, मोहना वे मेरी मटकी भर दे, मटकी भर दे सिर ते रख दे, चार कदम संग चल वे मेरी मटकी भर दे, श्यामा वे मेरी मटकी भर दे, मोहना वे मेरी मटकी भर दे, मटकी भर दे सिर ते रख दे, चार कदम संग चल वे मेरी मटकी भर दे, समझी ना मथुरा दी गुजरी, समझी ना मथुरा दी गुजरी, पुंज गली मेरा घर वे मेरी मटकी भर दे, श्यामा वे मेरी मटकी भर दे, मोहना वे मेरी मटकी भर दे, समझी ना मैनू भोली भाली, समझी ना मैनू भोली भाली, तेनू लवांगी छलवे मेरी मटकी भर दे, श्यामा वे मेरी मटकी भर दे, मोहना वे मेरी मटकी भर दे, समझी ना मैं कल्ली आई, समझी ना मैं कल्ली आई, सठ सखी मेरे संग वे मेरी मटकी भर दे, श्यामा वे मेरी मटकी भर दे, मटकी भर दे सिर ते रख दे, चार कदम संग चल वे मेरी मटकी भर दे, श्यामा वे मेरी मटकी भर दे, ना मैं मंगी ना मैं ब्याही, ना मैं मंगी ना मैं ब्याही, श्याम सुंदर मेरा वर वे मेरी मटकी भर दे, श्यामा वे मेरी मटकी भर दे, मोहना वे मेरी मटकी भर दे, मटकी भर दे सिर ते रख दे, चार कदम संग चल वे मेरी मटकी भर दे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छे मटकी भर दे। हाँ जी शालू ने जाना है। अच्छा बोल रही हैं, कह रही हैं कैमरा ऑन कर लो। जय बापू दी सारी संगत नु, जय बापू दी, जय बापू, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। मैं भी शाम तेरे संग चलूंगी, थाम लो मेरी बहिया, ओ अब ठहर जा कन्हैया, ठहर जा कन्हैया,
मैं भी शाम तेरे संग चलूंगी हाँ लो मेरी भैया, ओ अब ठहर जा कन्हैया ठहर जा ठहर जा कन्हैया, रंग दो गुलाबी चुनरिया माथे बिंदिया लगा दो सांवरिया, रंग दो गुलाबी चुनरिया माथे बिंदिया लगा दो सांवरिया, मैं गुलशन की मांग भरूंगी देखे सारी दुनिया, ओ अब ठहर जा कन्हैया ठहर जा कन्हैया, मैं भी शाम तेरे संग चलूंगी थाम लो मेरी बैया, ओ अब ठहर जा कन्हैया ठहर जा कन्हैया, ऐसी पायल पहना दे मेरे पांव में चौक जाए सहेली सारे गांव में, ऐसी पायल पहना दे मेरे पांव में चौक जाए सहेली सारे गांव में, मैं अलबेली चाल चलूंगी देखे सारी दुनिया, ओ ठहर जा कन्हैया ठहर जा कन्हैया, मैं भी शाम तेरे संग चलूंगी हाँ लो मेरी मैया, ओ अब ठहर जा कन्हैया ठहर जा ठहर जा कन्हैया, आज बैठेंगे यमुना खोलेंगे दिल के हम सारे, आज बैठेंगे यमुना किनारे भेद खोलेंगे दिल के सारे, जब ये बालक सुनेंगे मुरलिया थोड़े आएंगे रोना सांवरिया, जब ये बालक सुनेंगे मुरलिया थोड़े आएंगे राधा सांवरिया, हम तुम मिलकर रास करेंगे कदम की, ओ अब ठहर जा कन्हैया ठहर जा कन्हैया, मैं भी शाम तेरे संग चलूंगी थाम लो मेरी कन्हैया, ओ अब ठहर जा कन्हैया ओ अब ठहर जा कन्हैया, बोल बांके बिहारी लाल, बहुत सुंदर बोला बहुत अच्छा, वाह जी वाह, नया भजन है ठहर जा कन्हैया, नहीं पुराना है भाई साहब, मैंने नहीं ख्याल नहीं किया पहले, एक बार पहले ही बोला था इसने, अच्छा बहुत सुंदर, हाँ जी इसने रास लीला की थी ना बड़ी, कौन लगा रहे अभी, अच्छा जी बोलो, किना चांदी दिन क्या है, नहीं नहीं रीटा आंटी जी, ठीक है अच्छा, जय बापू दिन सारे सुंदर, ओम बापू दिन चोर वाले आपकी सदा, ओम पेशा झंडे की सदा, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे, हम हो गए बापू प्यारे के, हम हो गए बापू प्यारे के, हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के,
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के, हम थे भी बापू प्यारे के, हम हैं भी बापू प्यारे के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, जो कहते हैं उनको कहने दो। कोई भला कहे या बुरा कहे, जो कहते हैं उनको कहने दो। भैया हाथ उठा कर कह भी दो, हम हो गए बापू प्यारे, हम हो गए ओम जी प्यारे के, हम हो गए बापू प्यारे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के, हम थे भी बापू प्यारे के, हम हैं भी बापू प्यारे के, हम रहेंगे बापू प्यारे के, हम हो गए बापू प्यारे के। हमें इनका एक सहारा है, हमें इनका एक सहारा है, हमें इनका एक सहारा है, नहीं जग में कोई हमारा है। हमें इनका एक सहारा है, नहीं जग में कोई हमारा है। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के। हमें इनका एक सहारा है, हमें इनका एक सहारा है, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे गुरुदेव तो रहती मेरी हर बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए सतगुरु प्यारे के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के, हम थे भी बापू प्यारे के, हम हैं भी बापू प्यारे के, हम रहेंगे बापू प्यारे के, हम हो गए बापू प्यारे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बापू प्यारे के, बेसहारों को मिलेगा आज इस दर से सहारा, बेसहारों को मिलेगा आज इस दर से सहारा, बेसहारों को मिलेगा आज इस दर से किनारा, बेकिनारों को मिलेगा आज इस दर से। असी सारे सहारे छड़ दिते, एक तेरा सहारा काफी है, सन लोड़ की सारे जमाने दी, एक ओम द्वारा काफी है, 84 के भवर में डोलती है नाव जिन जिन की, 84 के भवर में डोलती है नाव जिन जिन की, किनारा उन बेचारों को मिलेगा आज इस दर से। Wow.
सहारा बेसहारों को मिलेगा। आज इस दर से हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए हरा वाले के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए ओम जी प्यारे के। ओम बापू नंदा चोर वालिया, चोर वालिया आपकी सदा ही जय। बिल्कुल जी, हम हो गए बापू प्यारे के, हो जाए बस दिल से। बहुत सुंदर। हाँ जी, नागबाजी सतकरदार, सतकरदार सारे साथ। हाँ जी, कविता किससे सुनते हैं ना अभी? अंकल जी, हमारे सत्संग में एक नए जुड़े हैं, इंद्रजीत कौर आंटी जी। अच्छा, पहले उनकी वीडियो ऑफ थी, अब उनकी ऑफ है। अच्छा, पहले ऑन थी अब ऑफ। बेटा उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो। अच्छा, हो गई, ठीक है, कनेक्ट है। अब हो गई, काफी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी। पल्लवी, पल्लवी तैयार है, पल्लवी वांस टू सिंग। ये भैया मेरे साथ लामड़े से है, अपने यहाँ साथ जुड़ी हुई। अच्छा अच्छा, इंद्रजीत जी, हाँ बताया आपने। चलो सामने आएंगे फिर बात करते हैं इनसे। इंद्रजीत जी, तो एक पल्लवी से सुन लेते हैं फिर अपना के, अभी तो हाँ टाइम है 6 बजे तो। जय सच्चिदानंद जी। जय सचिदानंद। जय बापू दी अंकल। जय बापू दी सब। जय बापू दी अंकल। आज मैं ना हमारे स्कूल में जो प्रेयर होती थी वो गाऊं। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, प्रेयर की बात हुई ना, एक बड़ा ही सुंदर मेरे मन में आज सुबह से आ रहा था, वो याद करके कोई सुनाना कि जैसे घर सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिलाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला मैं जब से शरण तेरी आया मेरे। बड़ा ही सुंदर है ये भजन, ये सुनते हैं अभी। मैं कोशिश करना जो भी अगर तैयार कर सके। हाँ, कल भी सुनाओ, प्रेयर सुनाओ। बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले बदी से टले हुए ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छाया तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा, नाता नजर सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डर दे ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम तुम्हारे करम, नेकी पर चले और ताकि हंसते हुए निकले दम, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे नहीं बदले की हो कामना, बड़े उठे प्यारे का हर कदम
और मिटे वैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। आ ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर दयालु बड़ा तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। आ ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले, मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम। ओम बापू नंदा चोर वाले आए, आपकी सदा आपकी सदा जय। भैया इतनी सुंदर प्रार्थना है, इतनी सुंदर अरदास है, ये प्रभु से करें और अपने दिल से करें। ये ऐसी अरदास है कि वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की वो कामना। कितने कितनी सुंदर मतलब के ऐसी प्रार्थना है, अगर ये सारे वैसे दिल से ये बात कहेंगे ना किसी के किसी, क्योंकि दुनिया में सारा टेट फॉर टैट ही चल रहा है, उसने मुझे कहा तो मैं तो कहना ही था, मुझे तो गुस्सा आना ही था, ये वो सब बातें छोड़ के अगर ये अगर प्रार्थना की जाए मन से और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करके, हाँ जी मैंने तो ये प्रार्थना की हुई है तो ये ऐसा ही करना है, बदले की भावना भी नहीं रखनी और एकदम मन में शांति रखनी है, तो बहुत सुंदर बात हो जाएगी, अच्छा और बहुत सुंदर बन जाएगा ये धरती। हाँ जी अच्छा पढ़ा आपने पल्लवी, अभी किस से सुन रहे हैं? हाँ जी लुधियाना तो जगह साहब, तुसी अपनी हाजी लगाओगे लुधियाना तो जगह तो सामने है नहीं है इस टाइम मेरे ख्याल। बोले जय सारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री सतगुरु देव भगवान की जय। कितने ऊंचे भागे हमारे ऐसा सतगुरु पाया है, कितने ऊंचे भागे हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। एक मिनट सभी को म्यूट कर दो, मेरे हाथ से संगीता का रहने दो, संगीता आप अनम्यूट कर लेना, म्यूट करो को डिस्टर्बेंस बड़ी आ रही है, उनके बैक से डिस्टर्बेंस आ रही है। हमें हॉस्पिटल में हो ना या वेटिंग रूम, सभी बैठे हैं। ये अच्छा ये गोल्डी के लिए नहीं, मेरे मदर इन लॉ है ना यहाँ एडमिट है। चलो प्रभु ठीक करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, फिर ठीक है गाओ गाओ कितने ऊंचे भागे हमारे ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, बड़े थे दुख ही दुख इसमें
कैसी दास्तां सबकी, मिलाना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। यही तो आया ऐसा मसीहा, जिसने गले से लगाया है जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण, सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से, उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमीन आकाश से ऊंची, प्रभु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दास तेरा दर आया है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दास तेरा दर आया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भागे हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। कितने ऊंचे भागे हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में, मिली ये शीतल छाया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु देव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अभी ये बिल्कुल जलती इस दुनिया में, मिली शीतल छाया, प्रभु के चरणों में आके, गुरु के चरणों में आके शीतल छाया मिलती। हाँ जी, अभी कविता किसे सुनेंगे? गाओ जी, गाओ। रोजी आंटी। बापू दी। जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोर वालिया, आपकी सदा ही जय हो। ही जय। क्रोधा धवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रम शाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से जो बुद्धि है उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ही मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। युधिष्ठिर जी भी यक्ष को ये समझाते हैं कि क्रोध वह अग्नि है
जो इंसान के अंदर जागती है और उसकी बुद्धि को खा जाती है। उसे अपने पराए छोटे बड़े का भी एहसास नहीं होता। ऐसा ही एक प्रसंग आता है कि एक बार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में विवाद हो गया। अब विश्वामित्र जी तो बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे और ज्ञान कूट कूट कर उनमें भरा हुआ था। वशिष्ठ जी सदा उनको राज ऋषि कहा करते थे। विश्वामित्र उनको कहते थे, मैंने ब्राह्मणों जैसे सभी कार्य किए हैं, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कहा करो। अब वशिष्ठ तो मानते नहीं थे, कहते थे तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है, तुम राज ऋषि हो, तुम्हारे अंदर गुण तो बहुत है, लेकिन ये जो एक अवगुण है ना, ये तुम्हारे गुणों को प्रकट नहीं होने देता। और कहते हैं कि इंसान के गिरने के लिए एक अवगुण ही बहुत है। अरे यह क्रोध बहुत बुरी बला है, 125 करोड़ नहीं 125 अरब बार भी अगर गायत्री मंत्र का जाप कर लें तो एक बार का क्रोध इसके सारे फल को नष्ट कर देता है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अच्छा देखो हुँ? अब एक दिन विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर सोचा कि मैं इस वशिष्ठ को मार डालूं तो फिर मुझे राज ऋषि कहने वाला कोई होगा ही नहीं। और ऐसा गुस्से में सोचकर एक दिन छुरा लेकर उस वृक्ष पर बैठे जहां गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। विद्यार्थी आए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते शाम हो गई और पूर्णमासी का चांद पूर्व से निकल आया। अब विश्वामित्र पेड़ पर बैठे सोच रहे थे कि ये सारे शिष्य चले जाएंगे, फिर वशिष्ठ मुनि अकेले रह जाएंगे और नीचे उतरकर मैं अपने इस शत्रु का नाश कर दूंगा। लेकिन उसी समय एक शिष्य ने चांद की ओर देखा, गुरु वशिष्ठ जी से कहा, कितना सुंदर चांद है। वशिष्ठ जी ने भी चांद की ओर देखा और कहने लगे, यदि तुम विश्वामित्र हो को देख लो तो वो इतने गुणी हैं, इतने सुंदर हैं कि तुम इस चांद को भी भूल जाओगे। चांद सुंदर अवश्य है, परंतु ऋषि विश्वामित्र इससे भी बहुत अधिक सुंदर और गुणी हैं। यदि विश्वामित्र के अंदर क्रोध का कलंक न हो तो वो सूर्य की भांति चमक जाए। अब वो विद्यार्थी सुन रहे थे ये बात, तो विद्यार्थियों ने कहा कि विश्वामित्र तो जगह जगह आपकी निंदा करते हैं और आप हैं कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे से ज्यादा तप उन्होंने किया है, मेरे से अधिक विद्वान है, मेरा जब मस्तक झुकता है तो उनके चरणों में ही झुकता है। अब ये सारी बातें वृक्ष के ऊपर बैठे हुए विश्वामित्र जी सुन रहे थे, तो उनकी सोच बदल गई ऐसा सुनकर। वृक्ष से विश्वामित्र जी नीचे उतरे और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में अपना सिर झुका दिया। गुरु वशिष्ठ जी जैसे ही उन्हें उठाने लगे, बोले, उठो ब्रह्म ऋषि। अब विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो मुझे राज ऋषि कहते थे, आपने मुझे ब्रह्म ऋषि कैसे कह दिया? तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि तुम्हारे अंदर जो चांडाल क्रोध था वह निकल गया, इसीलिए तुम आज से ब्रह्म ऋषि हो गए। काम क्रोध और लोभ की जब तक मन में खान, तुलसी दोनों एक हैं, क्या मूर्ख और विद्वान। जय बापू जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो यहाँ मूर्ख और विद्वान में फर्क नहीं है, अगर काम क्रोध सब कुछ है आप में तो। और ये बड़ा अच्छा, ये नया ही प्रसंग है, मुझे ही पता नहीं था विश्वामित्र जी थोड़ा सा अच्छा गुस्से में। मैंने भी सुना नहीं कभी है, मैंने पहली बार ये सुना है ये प्रसंग। चलो नई चीज का पता लगा, वाह जी वाह। तो इससे हमें ये मिलता है भी आपकी जितनी मर्जी की निंदा करे, आप जो उसके सही गुण है, ट्रू एप्रिसिएशन, तो वो उनको सामने लाना चाहिए दुनिया के भी। ये बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे कभी कोई बात ऐसे कह देता है, वैसे है अच्छा इंसान है ये, तो अगर वो उन्होंने तारीफ की तो इस वक्त बच गए वो, क्योंकि वो तो पूरा मारने के मूड में आए थे विश्वामित्र जी।
कितनी अगर सच्ची बात आप कहो है ना, तो ये सुनने के बाद भी आपकी तो निंदा करते हैं फिर भी आप उनकी तारीफ करते हैं, ये जो सच्ची तारीफ कर रहे हैं वो उसकी जो दूसरों की जो भी है स्वभाव है तो वो उनका रहने दो, हमें अपना रहने देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अगर किसी की अच्छी बातें हैं तो करो, जो बुरी बात है तो मन में रखो, क्या किसी को बोलना। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी मैं सुना रहा हूँ प्रकाश जी। हाँ हाँ तुझे सुनाओ सर। ठीक है जी सुनाओ दे। मोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। काना 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 ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, ऐसी मधुर रसीली में तो भई रे मगन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, नैना बड़े अलबेले रे, नैना बड़े अलबेले रे, तेरे छैल छबीले रे, तेरे छैल छबीले रे, इन नैनों में जाने कैसे लगे री लगन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, कजरा ये जो मत वाला है, कजरा ये जो मत वाला है, गजरा तेरे लिए डाला है, गजरा तेरे लिए डाला है, आई छुपके से जान बचा के करके यतन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, ऐसी मधुर रसीली में तो भई रे मगन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, न जाने क्या है, न जाने क्या है तेरी बातों में, न जाने क्या है तेरी आंखों में, न जाने क्या है तेरी आंखों में, भोली सूरत देख के काना, भोली सूरत देख के काना, हो गई रे मगन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, ऐसी मधुर रसीली में तो भई रे मगन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, पहले लगत मोह सपना सा, पहले लगत मोह सपना सा, अब तो लगत मोह अपना सा, अब तो लगत मोह अपना सा, ले चल काना बाह पकड़ कर, ले चल काना बाह पकड़ कर, चाहे भी जिधर सैया ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, ले गई सांवरिया तेरी मुरली की धुन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, ऐसी मधुर रसीली में तो भई रे मगन, काना ले गई जिया तेरी मुरली की धुन, वाके बिहारी लाल की जय। वाह वाह मुरली की धुन है ये बड़ी सी सबको मदहोश कर देने वाली कान्हा की मुरली। हाँ जी सुनाओ जी। चांद हुआ सुनाओ भाई। नैना की चांद सदा ही जय। मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइयां डोर ओ छी ना मैं कटी जावा, साइया डोर हथों छी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनु तेरा दुआरा है, मैनु तेरा दुआरा है,
मैनू इको तेरा आसरा, मैनू इको तेरा आसरा, साया तेरा सहारा है, साया तेरा सहारा है, हुन तेरे ही भरोसे, जय हो, ही भरोसे, हवा भी तुरनी डावानी, साया दोर हथो छकी ना मैं तकी डावानी, तक दुर मैं तेरी पसंद, इन चरना कमला नालो, इन चरना कमला नालो, मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, मेरा पेचा लाई ना, ये कट गई ता सतगुरु, ये कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जाऊंगी, सतगुरु दूर हथों छड़ी ना मैं सकी जाऊंगी, सतगुरु मैं तेरी पसंद, आज मलिया बुआ आके तेरे तेरे द्वारे दा, साया तेरे द्वारे दा, हाथ रख दे इक वारी तू, हाथ रख दे इक वारी तू, मेरे सिर ते प्यार दा, मेरे सिर ते प्यार दा, फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तू बचनी जावानी, साया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावानी। जिन्होंने कुरान की एक आयत के आदि साहब ने जो कहा कि भाई उनका भी ईमान है, वो किसी को पूछते हैं यदि इस उड़ती जावानी, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावानी, साया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावानी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। बोल बापू नंदा चोर वालिया तेरी सदा सदा ही जय। बिल्कुल जी, जे कट गई तो फिर मैं लुटी जावांगी, क्या लिखदे ने लिखण वाले, कमाल। नमस्कार है ऐसे सुंदर सुंदर राइटर, बड़ा सुंदर गाया तू, इन्हें सुर दे चांदी दी गाया करो भाई, रोज गाया करो। हाँ जी अंकल जी, 7 मिनट पड़े हैं 6:30 होने में। हाँ हाँ अभी एक दो सुन लेते हैं। जिनके जिनके कैमरास ऑन है उनकी सबकी हाजिरी लग गई, कितनी क्लियर, यू आर सो क्लियर इन योर एक्सप्रेशन नैना, शाबाश बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार और लगाओ जी। मैं पिताजी वाला सुना दे उन्नी देर हैं, मैं उस वाला पिताजी वाला जो तुम कल दसया थी मैं। हाँ सुनाओ जी सुनाओ। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा की जय, तेरी महिमा अपरंपार, जिसका अंत न कोई शुमार, भले पुरशा नू दुष्टा तो बचाने आ गए, तेरी महिमा अपरंपार, जिसका अंत न कोई शुमार, भले पुरशा नू दुष्टा तो बचाण आ गए, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, जांदा तेथों मैं बलिहार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, जावा तेथों मैं बलिहार, अपने भगतान पार लंघाण आ गए, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, संत पर उपकारी आए, सबना दे दिल नू भाए, संत पर उपकारी आए, सबना दे दिल नू भाए, खेल उना जो रचाए, जीवा उन कह ना पाए, खेल उना जो रचाए, जीवा उन कह ना पाए, खेड़ उठी सी गुलजार, आई खिजा दे वेच बहार, खेड़ उठी सी गुलजार, आई खिजा दे वेच बहार, जदों आप ओ खुद भगवान आ गए, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार,
मेरे प्यारे कृष्ण मुरार जावा तैथों मैं बलिहार अपने भगतां नूं पार लगाण आ गई। समा जदों माड़ा आया कलयुग ने जोर पाया समा जदों माड़ा आया कलयुग ने जोर पाया धुर दरगाहों बनके जगत स्वामी आप आया धुर दरगाहों बनके जगत स्वामी आप आया। मथे लिखिया खुद करतार मथे लिखिया खुद करतार हो श्री स्वामी आप करन सबना दा इथे कल्याण आ गए। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार जावा तैथों मैं बलिहार अपने भगतां नूं पार लगाउण आ गए। गल एक ऐसी सुनावा कर देखो मथे दी प्लेट उते हर भाषा उते लिखिया बतावा मथे दी प्लेट उते हर भाषा लिखिया बतावा श्री स्वामी दी जय जयकार दर्शन करके होए निहाल श्री स्वामी दी जय जयकार दर्शन करके होए निहाल सच्चा नाम ओ सबनू जपान आ गए। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार इथे आके जिसने दिलों अरजोई कीती इथों आके जिसने दिलों अरजोई कीती जानी जान सतगुर स्वामी देरी ना कोई कीती जानी जान स्वामी सतगुर देरी ना कोई कीती कीता उनु दिता उनु अलौकिक प्यार कीता फिर उसदा उदार भाव सागर तो पार कराने आ गए। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार आया लोला पुत द्वारे चरना विच अर्द गुजारे आया लोला पुत द्वारे चरना विच अर्द गुजारे बख्शो हुण पदार्थ चारे कर दियो सब वारे न्यारे बख्शो हुण पदार्थ चारे कर दियो सब वारे न्यारे सुन के बेटे दी पुकार बापू कीता ना इनकार सुन के बेटे दी पुकार बापू कीता ना इनकार पुत्र अपने नूं गल नाल लाउणे आ गए। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार मेरे प्यारे कृष्ण मुरार तेरी महिमा अपन पार जिसका अंत न कोई शुमार भले पुरशां नूं दुष्टां तों बचाण आ गए। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार बोल बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा परफेक्ट प्यारी तर्ज दे नाल गाया नागपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मेरे हाथ 2 मिनट रह गए ने 2 मिनटां शायद कोई नहीं पढ़ सकेगा सरला मासी तो उस तो बाद सुनते हैं 1 मिनट रह गया मैं जल्दी बोलिया कि टाइम 7 मिंट पूरे ना हो जाए। हाँ नहीं हुण आपां जयकारा लगा के ना ओम दा जाप कर लेने फिर उस तो बाद सारे कोई जो 2 मिंट पहले भी कर रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। हाँ नहीं 1 मिनट रह गया जी हुण तां बस बस कर हाँ जी ओम बापू नंदा चौर एक बार फिर मैं गुजारिश करदा मैं सिर्फ नागपाल जी आवाज आंदी सारे तुसी गाना खुल के ओम दी ओम दा आवाज थोड़ा जा आंदी नहीं किसी दी भी सारे अनम्यूट कर लो प्लीज खुल के गाया करो ओम ओम खुल के ठीक है अनम्यूट कर लो सभी अपना सभी अनम्यूट कर लो हो सके तो भाई चलो ओम बापू शरदा राम जी महाराज सब संतन की दरबारों पे सभी गद्दी नशीन संतों को कोटि कोटि प्रणाम सभी दरबारों पे सारी संगत का सारे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम जय जयकार मेरे बापू शरदा राम सारी संगत को सत करता ओ Oh
बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा आपकी वाटिका के सभी पुष्प सभी संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम। अनम्यूट। ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा। अनम्यूट करो बुआ जी। हाँ जी, सारी संगत नु सत करतार। जय बापू जी। हाँ जी, मेरा ये गुरु दर्शन का तीसरा भजन है और इन्दे विच बस यही लिखे है कि जेड़ा तुहाडे चरणां विच प्रणाम करना है, यही मेरी पूजा है, यही गुरु पूजा है। बस जीवा ते नाम रखना रसना ते और तुहाडे चरणां ते प्रणाम करना।
बोल साचे दरबार की जय। जय तेरे चरणों में प्रणाम, यही मेरी पूजा है। तेरे चरणों में प्रणाम, यही मेरी पूजा है। रसना पे तेरा नाम, रसना पे तेरा नाम, यही मेरी पूजा है, यही मेरी पूजा है। माथे चंदन तिलक लगाऊं, फूलों के मैं हार पहनाऊं, तेरा वंदन करूं बार बार, यही मेरी पूजा है। तेरे चरणों में प्रणाम, यही मेरी पूजा है। चरण धोऊं अमृत बन जाए, जो कोई पीवे धन हो जाए, मैं तो करूं तेरा गुणगान, यही मेरी पूजा है। मैं तो करूं तेरा गुणगान, यही मेरी पूजा है, यही गुरु पूजा है। भावना भोग लगाऊं तुझको, प्रेम के भजन सुनाऊं तुझको, मेरा प्रेम करो स्वीकार, मेरा प्रेम करो स्वीकार, यही गुरु पूजा है। तेरे चरणों में प्रणाम, यही गुरु पूजा है। अवगुण मेरे चित्त न धरना, मुझ पर अपने कृपा करना, मेरे जुड़े तार से तार, यही गुरु पूजा है। मेरी जुड़े तार से तार, यही गुरु पूजा है। भील नी बन तेरे रस्ते सजावा, विदुर बना तेनु भोग लगावा, आ जाओ कृष्ण मुरार, यही मेरी पूजा है। आ जाओ कृष्ण मुरार, यही मेरी पूजा है। शाह देवो शाह स्वामी, दिल की जानो अंतर्यामी, मेरे पूरन करना काज, यही मेरी पूजा है। मेरे पूरन कर दो काज, यही मेरी पूजा है। मुख न मोड़ी दिल ना तोड़ी, विच मजदार मेरा हाथ न छोड़ी, मेरी नैया कर दो पार, यही गुरु पूजा है। मेरी नैया कर दो पार, यही मेरी पूजा है। भागा वाला दिन आज आया, संगत रल मिल खूब मनाया, तुसी हो मेरे सरताज, यही मेरी पूजा है। तुसी हो मेरे सरताज, यही मेरी पूजा है। बाप उठा कर जी जल्दी आओ, अखियां थकियां देर न लाओ, मेरे प्रेम दी रखना लाज, यही गुरु पूजा है, यही मेरी पूजा है। बस बापू हुन कुछ नहीं कहना, पर बिन तेरे मैं नहीं रहना, अरदास सुनो महाराज, यही गुरु पूजा है। तेरे चरणों में प्रणाम, यही गुरु पूजा है। रसना पे तेरा नाम, यही गुरु पूजा है। बोल साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर। रसना पे तेरा नाम, यही मेरी पूजा, तुझे करूं प्रणाम, यही मेरी पूजा। वाह वाह, अच्छा साठ, अच्छी रचना आपकी उषा बुआ जी। हाँ जी, अभी किससे सुनेंगे कविता? नैना और हरभजन सिंह जी का नंबर है जी। अच्छा, हरभजन सिंह जी तुझे सुनाओ जी। ओम बापू नंदा चोर वालिया, सारी साधे चन्ना, जय बापू दी, जय बापू, जय बापू। उषा आंटी जी ने लड़ी स्टार्ट की, बहुत चंगी लगती है।
ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਤੇ ਜੂਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸੰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲਗਾਓ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਅਰੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਚਰਨੋ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਕੇ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਂਗੂੰਗਾ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋ ਮੈਂ ਆਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਚਰਨੋ ਮੈਂ। ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਅਸਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਰ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਮਹਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਈ ਬਾਪੂ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਕਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਹੈ ਸਾ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋੜ ਕਰ ਹਮ ਤੁਝੇ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਆਪਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਰੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਮ ਤੁਝੇ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਛੋੜ ਕਰ ਹਮ ਤੁਝੇ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ
तो गुरुदास जी मतला देखे कितना खूबसूरत मतला लिखा है हमारे सेवक जी ने। वाह माई छलकती है तेरी नजरों से, मैं छलकती है तेरी नजरों से तेरी नजरों का ये नजारा है। बहुत सुंदर नजरों का ये नजारा, बेसहारों का तू सहारा है, मेरे दिल की धड़कने तुम बन गए, मेरे दिल की धड़कने तुम, नाम हर सांस पर तुम्हारा है, नाम हर सांस पर तुम्हारा है, वाह सारा तेरा तेरे दम से ही दम दम मेरा, तेरे दम से ही दम में दम मेरा, बिन तेरे अब कहाँ गुजारा है, बिन तेरे अब कहाँ गुजारा है, बापू ऐसा तेरा बारा है। हमको लेना है क्या समाने से, हमको लेना है क्या समाने से, हमको लेना है क्या समाने से, तू ही जीने का सहारा है, तू ही जीने का सहारा है, बेसहारा का तू सहारा है, बापू ऐसा तेरा शेर देखे हैं बहुत खूबसूरत। हाँ जी, सबसे उठरा नशा समाने का मिलता साहिबा,
ਅਭੀ ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਲ ਕੇ ਫਿਰ सबसे उतरा नशा जमाने का सबसे उतरा नशा जमाने का मिले तुझे ताना है जब से तुझे ताना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी इरशाद दूर तुझसे करे कोई सेवक तुझसे करे कोई सेवक दूर तुझसे करे कोई सेवक ये ना ये ना हर किसे हमें ये ना हर किसे हमें ये ना हर किसे हमें गवारा है तेरा बड़ा है बाबू ऐसा तेरा बारा है बेसहारा का तो सहारा है बेसहारा का तो सहारा है जय बापू जी जय बापू जी बहुत सुंदर इतने आपने इतने प्यार से इसको पढ़ा है ये सेवक जी की जो रचना है गजल है बड़ा ही बड़े सुंदर इसमें जो अपने शेर इसमें बड़े सुंदर आपने जो शायर वाह वाह बहुत सुंदर सारी रचना बड़ी सुंदर है धन्यवाद आपका आपने हाजिरी लगाई कभी कभी आया करिए और कभी कभी गा के निहाल के आगे जी भी संगत को गुलाम अली स्टाइल है जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर हम सब उसी के गुलाम है जी इसके बिल्कुल गुलाम है अभी अभी अगर समय अगर है तो एक और सुना दीजिए हरभजन सिंह जी सेवक जी से भी सुनते हैं एक रचना इनसे भी सुनते हैं हरभजन सिंह जी सेवक जी से सुने प्लीज बहुत सुंदर अरुण स्वामी जी का धन्यवाद आए और जी ने जैसे आपको पाए बापू के चरणों में हाजिर लगाते रहेंगे कभी कभी जब भी समय मिले प्रीत लगाई है वो उसकी डोर बापू ने पकड़ी है उसकी पसंद पर आगे बढ़ती गई है तो जूम पे कभी कभी घर से भी आप कनेक्ट हो जा करिए जब भी आइए समय आप गत्ते भी हो जा करेंगे जी गत्ते भी हो जा करेंगे ये साथ संग जी है मैं रचना चलो कड़ी हैगी है कि मैं थोड़ी जी बापू अम जी के बारे हैगी है और बापू अम जी के साखियां के बारे आप भी समझते हो कि भी नूर सा गए से बापू ज्वाला सिंह के कोल ते उत्थे उन्होंने बड़िया
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਅਲੱਗ ਕਈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਝੱਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਪੂ ਹਰਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਓਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਨ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਓਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਥਾਨ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਆਦ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਆਪ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪਗੜੀ ਦਾ ਥਾਨ ਦੇ ਦੇ ਮਲਮਲ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੱਪੜੀ ਖਾਣ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਨੀ ਥਾਂ ਪਗੜੀ ਪਗੜੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਹੈਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਲਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਜਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਇਆ ਪਰਸਾਇਆ ਬਈ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੰਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਨੀ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦੇ ਥਾਨ ਬਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾ ਪੈਣਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧਸੰਗ ਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਂ ਗਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਕਿ ਯਸ਼ੋਮਤੀ ਬਈ ਆਸੇ ਬੋਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਰਾਧਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਮੁਝੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੁਝੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਗ ਮੈਂ ਉਜਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪੜੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਮੰਜੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਕੇ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਗ ਮੈਂ ਉਜਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਜੀ ਕੇ ਥੇ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਓਮ ਕੀ ਜਲਾਈ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਓਮ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾ ਓਮ ਕੀ ਜਲਾਈ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਕਿ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਲੰਬੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੋ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਲੰਬੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਅਮਜੀ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਗ ਮੇਂ ਉਜਾਲਾ
ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸੇ ਦੇਖ ਦੁਆਲਾ ਬਾਪੂ ਅਚੰਭੇ ਮੇ ਆਏ ਜਿਸੇ ਦੇਖ ਦੁਆਲਾ ਬਾਪੂ ਅਚੰਭੇ ਮੇ ਆਏ ਸੋਚਾ ਬਾਪੂ ਨੇ सोचा ओम बापू ने ये क्या कर डाला बापू सिंह ज्वाला बापू ओम जी से बोले बापू सिंह ज्वाला नंदा चोर जाके करो जग में उजाल जो कट्टर कोतर दिखाए थे फिर बापू जी बोले तब बापू ज्वाला बोले सुनो ओम प्यारे तब बापू ज्वाला बोले सुनो ओम प्यारे रहती मयान इक में ना दो तलवारे रहती ना मयान इक में दो तलवारे फिर नंदा चोर बापू ओ, 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 ओ फिर नंदा चोर बापू डेरा है डाला बापू सिंह ज्वाला बापू ओम जी से बोले बापू सिंह ज्वाला नंदा चोर जाके करो जग में उजाला है बुद्ध प्रकाश जी नाम का सलाम असली है सही आदम अपनी गल हो रही है सयाद ने मना किया जब पगड़ी के थान को सयाद मन ने मना किया जब पगड़ी के थान को बापू बोले आग क्या है लग गई दुकान को बापू बोले आग क्या है लग गई दुकान को कहते ही इतना हो कहते इतना आग ने सब खाक कर डाला बापू सिंह ज्वाला बापू ओम जी से बोले बापू सिंह ज्वाला नंदा चोर जाके करो जग में उजाला नूर साह से चले बापू नंदा चोर आए ये नूर शाह से चले बापू नंदा चोरिया आए बिगड़े नसीब यहाँ लोगों के बनाए मुख से जो बोला बापू हो मुख से जो बोला बापू पूरा कर डाला बापू सिंह ज्वाला बापू ओम जी से बोले बापू सिंह ज्वाला नंदा चोर जाके करो जग में उजाला नमस्कार सत्संग जी हाँ जी बापू ओम तप किया खड़ा साहब भारी बापू ओम तप किया खड़ा साहब भारी बापू हर नाम जी को बख्श सरदारी बापू हर नाम जी को बख्शी सरदारी दर बापू काला हो दर बापू काला सबसे निराला बापू सिंह ज्वाला बापू ओम जी से बोले बापू सिंह ज्वाला नंदा चोर जाके करो जग में ज्वाला आखिरी दो लेना सतगुर चरना पच्ची जेठ बापू जी ज्योति जो समाए पच्ची जेठ बापू जी ज्योति जो समाए भगतों पे अपी रहते उनके हसाए भगतों पे अपी रहते उनके हसाए बुरा वक्त बापू ने ओ, 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 ओ पूरा वक्त बापू ने सेवक का टाला
बापू सिंह ज्वाला, बापू ओम जी से बोले बापू सिंह ज्वाला, नंदा चोर जाके करो जग में उजाला, नंदा चोर जाके करो जग में उजाला। शुक्रिया, धन्यवाद सत्संग जी। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बड़ा प्रेम दे नाल तुसीं सारी कथा सारे जे इस तरह फिर ना जदों भी चाहे आपां रामायण जी दी कहानी सुनीए, महाभारत दी जां ए बापू जी दे कोई भी जेड़े भी किस्से ने, उह सारा फिर इक नक्शा बन जांदा है ना दिमाग च वी किस तरह उहनां ने क्या होणा जी। और मैं कोई थोड़ा 10 मिनट ला, मैं ना एदे बारे कुछ दसना चाहना। बिल्कुल जी, जी 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 जरूर। मैं पहले ले लेना फिर बाद च आपां संगत जेड़े रह गए जी सारे आपां उहनां नूं। हुण मेरे जरा मोशन भी बणिया हुंदा ना जी गल, फिर बैठ के रहंदी नहीं। इस करके अपना बाद बाकिया तो जिन्हों हाजरी नहीं लगी लगावांगे। ठीक है, इजाजत है। नागपाल जी कविता नैना है भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस वो कथा का करनी है। जय बापू जी, इस तो बाद आप कर लेने थोड़ा जा। मैं जय बापू जी, हाँ जी, ओम बापू नारायण दास जी महाराज आपकी सदा जी जय। खुद एक तो मतलब थानू दस दया संगत जी, तानू भी पता है सारा नू, बड़ी श्रद्धा बड़ा प्रेम है। ओम बापू नारायण दास जी महाराज खुद नारायण, मतलब पूर्ण विश्वास है खुद नारायण आप आए ने इत्थे दर्शन देने वास्ते, बड़ा रब रूप मेरे बापू नारायण दास जी महाराज आपकी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। और ये जेड़ा किस्सा इन्होंने दस्या है, मैं दस दिया भी जेड़े ये अपना जिन्होंने सयादा मल जी की जेड़ी गल ना की है हरभजन सिंह जी ने, जेड़े सयादा मल जी सी वो भगत सीगे बड़े। देखो ये भगतां तो ही गलतियां हो जांदियां ने कदे, ठीक है ना। वो भगत सीगे बड़े, वो सयादा माल जी इन्ने सुची आत्मा सी, वो देख लो वो किसे नू मतलब कोई चीज भी राह दे विच उहनां कोल ठोकर लग जांदी सी ना, ये मेरे ताई जी दसदे ने। वो सी जग्गा सी नाले आपने मतलब के बापू हर भगवान जी दे मेरे माता दूर दे रिश्तेदार दे विच सीगे, वो तुहानू दसा जग्गा सी सयादा माल जग्गा जिन्हां दी ये सारी लिखे। मेरे पिता जी ने भी एक भजन दे जो भी मैं भजन पढ़ना चाहवां उहदे विच उहनां जिक्र कीता सयादा माल जी दा, ए वाली जिहड़ी ए प्रसंग दा। उहनां ने वो ऐसे भगत सी कि जिस राह दे विच उह ठोकर लग जांदी सी ना किसे चीज़ नूं, कैन यू इमेजिन, आपां तां वैसे ही ठोकर मार दिंदे आ जां ठोकर लग जांदी ए, वो चीज़ नूं सिर ते चक के रख लैंदे सी, लोग उहनां नूं भगत जी कहिंदे हुंदे सी। सयादा मल जी जग्गा सी, नाम इस तरह का सयादा मल, सयादा मल जेड़ा थोड़ा जा नाम है, लेकिन हिंदू सन सयादा मल जी जग्गा। और इन्नी शक्ति दे मालक सी, इन्ना महाराज दे नाल जुड़े हुए सीगे के आया। हां जी हां जी हां जी, ए मैनू बीज दे से मेरे दादा जी, मेरे दादा जी दे पिता सी। जगन्नाथ जी बड़े भगत। हां जी हां जी हां जी हां जी। ओह माय गॉड, मैं कहना रिश्तेदारी देख लो इतनी नजदीक। अच्छा हुण इहनां दे बारे तुहानूं मैं बी जी ने मैनूं दस्सिया, तुहाडी वड्डी भैण जी मेरे ताई जी वी ते मेरी मासी जी उह दसदे सी उहनूं भगत जी कहिंदे सी। और आखर दे उत्ते उहनां नूं आपदा समां पता लग गया सी संगत जी, बई असीं हुण कहिंदे वी जदों समां आ गया ना जाण दा, ते उह कहिण लगे अपना सारा दिन इह कहिंदे रहिंदे सीगे हैं तीर्थां नूं जावना ते मुड़ के नहीं आवना, तीर्थां नूं जावना ते मुड़ अच्छा अगे पहले तां घोड़ी दे नाल उहनां दे क्योंकि बड़े मतलब के अच्छे जमींदार सी बड़े तगड़े, ते उहनां ने घोड़ी दे नाल मतलब के एक जिहड़ा नाल उहनां देता सेवक ते आपदा उह चले गए। उह समझ नहीं लगदी घरदिआं नूं, देखो माया पा दिंदे ने संत लोक, कहिंदे ने वी तीर्थां नूं जावना ते मुड़ के नहीं आवना। हुण देखो
ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਤਨੂਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 55 ਚੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, 55 ਚੱਕ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਚ ਨਾਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਓਮ ਓਮ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਚ ਨਾਲੇ ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾਲੇ ਚ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲੇਟੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਟੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਹਰਿਦੁਆਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ 55 ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਏ, ਉਕਾੜੇ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਉਕਾੜੇ 55 ਚੱਕ ਆ ਗਏ ਉਥੋਂ, ਬਈ ਇਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਲੰਮੇ ਓਮ ਓਮ ਕਰਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜਾ, ਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੀ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਲਈ, ਸਿੱਧਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਚਾ ਕੇ ਉੱਤਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਾ ਗਏ, ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਤਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੀ ਨੇ ਰੱਬ ਕਢਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਹਰ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਹੈਗਾ ਥਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮਲ ਮਲ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਪਈਆਂ ਖਾਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਜੀ ਵੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਵੀ ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਸਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਮਲ ਮਲ ਦੇ ਥਾਨ ਵਿਛਾਣੇ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਟਰਾਕ ਲਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਏਡਾ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨੀ ਆਏਗੀ।
मेरे दादे ने जमीन वेच दिती मुसलमाना दे कब्जे थोड़े हैगी सी नेड़े भी करे कब्जा ना कर लैन इन वेच ही देवा मेरे दादे ने कहा उदो 75,000 रुपये साड़ी उन्ना टाइम ते जमीन विकी सी 75,000 बड़ी वड्डी गल समझी जांदी सी बहुत वड्डी गल आज तो पाकिस्तान बनन तो पहले खड़ किन्ने सालां दी गल हैगी पाकिस्तान बने 75,000 तो वैसे ही हो गए ने पाकिस्तान ने बने आप हुन 75 साल हो गए 75 ते 76 साल हो गए उस इस गल नु ते साल कोई पहले मेरे दादे ने ना बैंक च पैसा नहीं तो आड़तियां कोल रख दे हुंदे सी मेरे वड्डे मास्टर जी है नाल कोल जो रजिस्ट्री हुई वह कहें मास्टर जी यही ना करो सारी उम्र आड़ती दिखती जा सो कुछ बैंक च रख दो उन्होंने बैंक जमा करा दिता इधर पाकिस्तान आए हैं सानू 75,000 रुपया मिल गया लोगों ने बड़े धक्के खाधे बड़े औखे दिन लेखे लिखने से नहीं देखे साढ़े को पैसा है सानू इधर आके अमृतसर मिल गया वो पैसा बैंक वाला बापू जी इन्नी कृपा हो गई पर सानू को रोटी पानी है खा सकने बस ओना जी कृपा हो गई बरात वाले खड़े रेंदे बी भगत जी जी समाधि खुलेगी तो बरात टूरेगी नहीं तो नहीं टूरनी वड्डे बगैर किवें लेके जाइए ये सारिया गल्लां साडे दादा जी दे सुनाई हुई कहानियां तरह कहानियां बिलकुल जी बिलकुल और मैं जी गल तो मैनु याद आ जाता है कि जो एक यशोदा मैया ने पूछ लिया ना कृष्ण भगवान भी तू मक्खन खाया कि नहीं आला मुंह ते लग्या मक्खन फिर भी कहता मैं नहीं मक्खन खाया तो किना है कि मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो मैं नहीं माखन खायो किन्नी फिर दितियां ने एग्जांपल भी मैं इतना उच्चा छिक्का है मैं रात किवें पहुंचदा है ता जान के मेरे मुंह ते मारता है नाने ए तेरीयां जेड़ियां सहेलियां ने मेरा एवें जान के मैनु तंग करन वास्ते फिर अखीर ते फिर भी कहता भी मैं पर बस मोहल बचायो मैं तो स्टेप बेटा हैगा ते इस करके तू मैनु नहीं बड़ी सुंदर गल है लेकिन उन्होंने जबान चो एक बार निकल गया गलती सजादा माल जी जग्गा साहब साडे नाल निकल गया ते उन्होंने निकल गया दिल चो भी हां भी ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਉਹ ਚੁਕਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੁਕਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਧਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਨਾ ਜਗਨਨਾਥ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜੋ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇੰਨਾ ਕਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹ प्रेम दी गल है ना बहुत सुंदर ना 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 जो महाराज जी गल करके हसदे इना हसदे सानू कहंदे ने असी गड्डी थले जान दे देनी तुसी रोटी ने सानू आउणा पिया असी डर गए
ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪਾਲੇ ਪੜਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਨਿਯਮ ਬਦਲਤੇ ਦੇਖਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਟਲੇ ਟਲ ਜਾਏ ਭਗਤ ਕਾ ਮਾਨ ਨਾ ਟਲਤੇ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਡੀਆਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲੇ ਖੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀਆਈ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਨੰਬਰ ਚ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਮਾਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਵਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਿ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਸਵਰਗ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਯਾਦਾ ਮਾਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਈਨ ਕਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸੇ ਸਯਾਦ ਮਲਨੇ ਥਾ ਜਗੇ ਸਯਾਦ ਮਲਨੇ ਕੀ ਆਈਨ ਕਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸੇ ਸਯਾਦ ਮਲਨੇ ਥਾ ਭਗਤ ਸਯਾਦ ਮਲਨੇ ਥਾ ਇਧਰ ਇਨਕਾਰ ਉਧਰ ਲਗੀ ਆਗ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਪਲ ਮੇ ਥਾ ਹੁਕਮ ਉਨਕਾ ਟਲ ਫਿਰ ਥਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਹੀ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਛਾਈ ਹੈ ਚਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੜਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸ਼ਟ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਓਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਵੁੱਡ ਕਾਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵੀ ਇਹੀ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬਰਸਾਨਾ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਭਜਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਸੀ ਭਜਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੰਦਾ ਚਾਰ ਓਮ ਹਰ ਰੋਮ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ
इलाही जोत आई है खुशी घर घर में खुशी लिया अवतार था दिन आज के यहाँ ओम बापू ने मेरे इस प्यारे बापू ने लिया अवतार था दिन आज के यहाँ ओम बापू ने मेरे इस प्यारे बापू ने तपस्या सेवा कर रिझाया ओम बापू ने रिझाया ओम बापू ने गुलो गुलजार आज खिड़िया ओ गुलो गुलजार आज खिड़िया इलाही जोत आई है खुशी घर घर में छाई है नंदा चार स्वर्ग आज मनिया इलाही जोत आई है खुशी घर घर में छाई है बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर हाँ बहुत सुंदर वाह वाह खेड़ उठा गुलाब माता गुलाब देवी के चमन का था गुल आलम के चमन का था खिड़ उठा गुलाब माता गुलाब देवी के चमन का था गुल आलम के चमन का था आशिक वो हकीकत का पुजारी वो अमन का था पुजारी वो अमन का कैसी शायरी है देखो है अरभजन जी जी बहुत सुंदर खिड़ उठा गुलाब माता गुलाब देवी के चमन का था कुल आलम के चमन का था आशिक वो हकीकत का पुजारी वो अमन का था पुजारी वो अमन का था न सच्ची कैन तो टले प्रभु नंदाचार खुद चलिया इलाही जोत आई है खुशी घर घर में आई है स्वर्ग दो मिनट नागपाल जी बड़ा ही सुंदर पिताई ने शायरी निडर और बेधड़क बापू हमेशा मस्त रहते थे हमेशा मस्त रहते थे निडर और बेधड़क बापू सदा ही मस्त रहते थे सदा
चढ़ी रहती कुमारी नाम की और मस्त रहते थे सदा ही मस्त रहते थे न सच्ची कैन तो टलिया सच्ची कैन तो टलिया इलाही जो आई खुशी स्वर्ग आज बनिया इलाही जो आई है खुशी हर हर में कि आईन कार एक दस्तार से सैयाद मलने था भगत सैयाद मलने था जगे सैयाद मलने था इधर इन कार उधर लगी आग फिर भी बचाया पल में था हुक्म उनका चल फिर था पैसा पैसा सब ही से मिलिया इलाही जोत आई है खुशी हर हर में आई है आखिरी लाइन है ना जी हाँ जी दिल से जिसने पाया उसने झटपट ही है पाया उसने झटपट ही ए उस दिन जिस दिन 4 जनवरी 2015 नु राधा जी ते कृष्ण जी ने वो मैं ता कह रहे सी कृष्ण भगवान दी गल मैं ता कीती सी भी कृष्ण भगवान दे आपा भजन गा रहे हैं ना हां जी हां जी बिल्कुल 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 राधा अष्टमी दा तो मैं कृष्ण भगवान दी ता मैं ओदे च ओदो गल करनी सी कीती सी भी ओदो कृष्ण भगवान दे राधिका ने नंदा चौर ताम दे विच दर्शन दित्ते और ए देखो के लाइन की है के सच्चे दिल से पुकारा जिसने पाया उसने झटपट ही झटपट उत्थे कृष्ण आराध क्योंकि सच्चे मन तो उस दिन भाई कदे जिंदगी दे कदे कदे सच्चे मन तो पुकार हो जाती है महाराज की कृपा होती है वो पुकार उत्ते पहुंच जाती उस वेले मिलियंस ऑफ माइल्स आ गए राधा जी ते कृष्ण तो फिर कर दे पढ़ दे दोबारा सच्चे मन से पुकारा जिसने पाया उसने है पाया उसने झटपट ही सच्चे दिल से पुकारा जिसने पाया उसने झटपट ही है पाया उसने झटपट ही किया विश्वास श्रद्धा से दर तेरा मलिया हम कह सकते हैं कि पुत लोले देने दर तेरा मलिया इलाही जो है खुशी घर में छाई लोले पुत दर तेरा मलिया इलाही जोत आई है खुशी घर घर में छाई है नंदा चौर स्वर्ग आज बनिया
बापू नंदा चोर चोर वाले आपकी जय। राधा रानी की जय, कृष्ण महाराज की जय। कृपा बनाई रखना मेरे नारायण दास बापू, शरदा राम बापू, मेरे मेरे बापू हर भगवान और बापू माता अमृति। वर्षा हो रही है जी, वर्षा हो रही है आज से, कमाल हो रहा है। भगत हाँ भगत कश्मीर लाल जी, माता राम प्यारी जी महाराज, माता शांति स्वरूप जी महाराज, महंत करनैल सिंह जी, बापू दया जी, बापू सुभाष जी, जिन्हां ने दर्शन किए ने, सारे संतां की कृपा, लेकिन जिन्हां दर्शन भी हो सके ने, बापू गुरदास राम जी महाराज, बापू भानु दास जी, ये सारे साडे दे कृपा बनाए रखना, राधा रानी कृपा बनाए रखना। एक अंतरा क्योंकि बापू है भव्या दे दर्शन हो रहे ने, तो सुना गे मैं कहना कृष्ण महान दे, क्योंकि आप भजन गा रहे हैं इन्हें दिन कृष्ण महान, एक एक तंत्र आप पढ़ांगे। कृपा बनाए रखना हो, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना ओ श्यामा श्याम, मुझको जल्दी बुलाना, वृंदावन बरसाना था, मुझको जल्दी बुलाना, वृंदावन बरसाना था। करूं यमुना जी के दर्शन, सुनो संत जनों के सत्संग, करूं ब्रज मंदिरों के दर्शन, सुनो संत जनों के सत्संग, ब्रज रज का माथे तिलक लगाऊं, जीवन सफल बनाऊं, अंत समय तुझ में ही समाऊं, तो फिर मैं धन्य हो जाऊं। राधा जी तेरे सदके कान्हा जी, तेरे सदके राधा जी तेरे सदके कान्हा जी, तेरे सदके तुमने इस दास पे रहमत करके, सब पाप मेरे हर के, मुझे सुंदर दर्शन देके मेरे वारे न्यारे करते। राधा जी तेरे सदके कान्हा जी, तेरे सदके राधा जी तेरे सदके, सदके मैं कान्हा जी तेरे सदके, मैं तेरे सदके, तेरे सदके। और वांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। हाँ जी, हम कथा करनी है के कैंसिल कर दिए? हाँ वो पाव, वो पाव नहीं हो गया, नहीं आप भजन सुन लो एक दो किसी। मेरी गल होर गल है जी, के मैं कथा जो खोल दी है ना एक बार ग्रंथ, ओनु ना पढ़िए तो वो बेअदबी है, एक करके मैं 5 मिनट सिर्फ पढ़ देना है। पढ़ो पढ़ो नहीं, 10 मिनट पढ़ दो, कोई है जी 15 मिनट ही पढ़ने हैं, 5 मिनट पढ़ने हैं, फिर भव्या तो ही सुनांगे, अभी भव्या के दर्शन हो रहे हैं जी, दर्शन पढ़ो 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 सर, भजन पढ़ो 10 पढ़ो बापू फिर बेटी, मैं 5 मिनट पढ़ लूंगा सिर्फ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय, ओम बापू गुरसिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय, प्रेम दी खिच नाम सुकुंदन लाल, कया द्वितीय प्रसंग ये सुनो श्रोता कर ख्याल। महाराज श्रीमान जी बाबा सिंह अरूर, तिन में शक्ति विशाल, अति अरमति यत शह गूर, चौपाई अंतर आत्मा मैं इनके, करे शंक को होई दलेर, हस्ती है प्रभ सूरज न्याई, चमक रही सब जग के माई, एक कौतक कहां दिठा आप, अच्छे उक्ति नहीं कदाप, जग तो पहला कुछ दिना दर्शन करने आया इना, और संगत भी बैठी पास, दर्शन कर मन होए हुलास, रामचंद्र एक सिख आया, चरण कमल पर शीश निवाया, कर बंधन ओ भी बह गया, बेला शाम इतने में भया, अर्ध करी मैं दो हाथ जोड़, दिशा पानी दा समा सो रोड़, कया आप कर छेती तैयारी, चल दे हाँ कुछ नहीं अवारी,
जल्दी गढ़वी लैके दास उन आचरण करी अरदास। आप उठे मैं प्रश्न सुकीन कौन तरफ आज चलन परवीन। मासी समझ आती भी है? हाँ जी हाँ जी समझ आती भी है ना? हाँ वो साफ है तो साफ बोलते पे। पुन आचरण करी अरदास। आप उठे मैं प्रश्न सुकीन कौन तरफ आज चलन परवीन। जेड़ी तरफ रोज ना जांदे या अज होर दिशा फरमांदे। मुक्तों कहा आप महाराज पार वाले खू चलना आज परले वाले खू चलना है। एक है आप ऊपर चल पे चार पांच सेवक संग भए। रामचंद्र पसरी जा नाले वजीर चंद जय पिता विसाले। कुछ डेरे ना लाले दे पासे कुछ डेरे लाले दे पासे बाग लाले वल मुड़न लगा से। तद हुक्म कर आप बखाना वजीर चंद घर गली को जाना। होई उससे दिस दिस चले बिरोही बिहोरी एक है उस दिस कीन सुमोरी। पहुंचे वजीर चंद घर पास रामचंद्र तब की अरदास। महाराज साढ़े घर माही दीजो दर्शन माता चाही। माता साड़ी कहती है साढ़े घर भी चलो। मंदिर में नम काम न बया केवल लैन आप नो गया। उत्तर दिया आपने ताहे हमको दूसर काम को नाहे। तेरे घर में आवन कारण पासे इस आए हम सारण। नाही पैदल पहले कब इत आए एक है अंदर आप सिधाए। कद इसे करके इधर आए हैं नहीं तो सानू कोई रोड इधर का। बाकी असी जो सेवादार खड़े बाहर कर रहे विचार। लगा पता असानू यही रामचंद्र दी माता दे। रोगी भई भया कुछ कार मन में दर्शन चाहे विसार। रामचंद्र जी माता जी बीमार थी बीमार आए तो दर्शन करना चाहती थी दर्शन करना चाहती थी ताई महाराज जी उधर गए। कई बार कह पुत्र पठाया पर नहीं बाबे पास सो आया। अंत माया दा कहना मन आज गया बाबे जीवन। गया जाई नहीं अर्ध गुजारी ऐ पर मन दी जान मुरारी। सुनी द्रौपदा दी ज्यो टेर या ज्यो भाग भरी मन प्रेर। साध लए ओ ए प्रभ जी आप करके हृदय प्रेम अपाप। दर्शन दे निहाल तिस करा होर न दूसर कारज करा। दर्शन दे निज भगत तिन ताई खू सरकारी दिशा सुजाई। आए सड़क ते उथों फेर मंदिर पहुंचे ता बिन देर। ता मेरे मन निश्चा होया खू सरकारी आप बगोया। ऐसी केवल ए बहाना असल भगतनी वल सी जाना। असी जान दिता उन्हों दा बहाना ही इधर जान दा जाना उन्होंने उधर कर सी रामचंद्र जी माता दी। दस्खत कुंदन लाल जनेजा फतेहपुर पूरे घर रेण बिखेजा। 1990 सम्मत असू वी नू कवि ने सम्मत। उर्दू में तिस ने लिख दिया कवि ने कविता मैं सो किया। जेड़ा उन्हें उर्दू लिख दिता सी ओही कविता दे लिख दिता सी। ओम बापू बंदा चोर वाले आपकी सजा ही जय वाह जी वाह। पढ़दे पवित्र होए सुनदे पवित्र होए जेते बापू रूप सिंह जी महाराज सदा ही जय वाह। भव्या भव्या सामने आओ बेटा गा दो अगर हो तो नहीं तो सरोजी तो हाँ भव्या ठीक भव्या गा दो एक जय जय राधा। वो तो बाद में गाएं पहले आपकी सदा जय बाबूजी मेरे कलम हाथ तेरे ये सोने सोने कलम हाथ तेरे ये सोने सोने लेख लिख दे हथा ते लिख दे सेवा गुरा दी हथा ते लिख दे
सेवा गुलादी ओ सेवा कष्टी देवी नाथ का सोने सोने लेख लिख दे पैरों ते लिख दे सत्संग जाना पैरों ते लिख दे सत्संग जानकी कदे वी ना थका कदे वी ना थका के सोने सोने लेख लिख दे ओ बापू जी ते कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे अखा ते लिख दे दर्शन गुरादा अखा ते लिख दे दर्शन गुरादा ओ दर्शन कर दी कदे वी ना रज्जा कदे वी ना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे ओ बापू जी मेरे कलम हाथ तेरे इतना सुंदर गाती है और कोशिश करो हैं बोल रही है भजन हाँ बोलो गाओ जी गा भाई आपके बाद अभी किसी से सुनने का फिर अभी कोई है ना अभी तो समय भी हो गया और अपना गुड़िया भव्या भव्या अपनी मम्मी से कह के ना ऐसा करो कि YouTube से ना ढोलक का जो निकाल लिया करो ढोलक का जो बीट है कोई स्लो भी है कोई फास्ट भी है तो उसके साथ प्रैक्टिस करके करो ये बड़ा ही सुंदर आ जाएगा ढोलक का इतना आप बिल्कुल इसके मैच करेगा तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करके करो कोशिश ठीक है ढोलक की बीट कोई भी लेके ना या तो खुद बजा लेती हो खुद भी सीख तो ना साथ साथ बजाते रहो और नहीं तो ढोलक की बीट YouTube में से लेके तो उसके साथ फिर गाया करो बैकग्राउंड पे दूसरे फोन से ना वो लगा दिया और साथ में फिर ये गा दिया ठीक है बहुत सुंदर और भी अच्छा लगे तो अभी मेरे ख्याल से
नागपाल जी नैना कविता हाँ जी। सबसे सबसे मांगते हैं माफी, सबसे क्षमा मांगते हैं जिन जिन्होंने नहीं गाया कल, प्लीज 6:30 से पहले अगर आ जाओ तो फिर खुला टाइम होता है, एक के दो दो बजे सुनेंगे। अंकल जी कल, अंकल जी कल सत्संग भी है 7 बजे। हाँ जी सुबह 7 बजे रात को आपको। अच्छा हाँ सुबह भी तो है। हाँ हाँ आज रात को जेड़े हो रहे हैं उनको सवेरे आ जाओ 7 बजे। हाँ सुबह आ जाओ सुबह 7 बजे भाई, सुबह 7 बजे भी। अच्छा एक मिनट जेड़े हरभजन सिंह जी दे नाल आए हुए थे घरे, वो जे उन्हां नूं आपां कहिआ सी इक दूजा सुनाउण वास्ते, जे वो बैठे ने तां 2-3 मिंट नहीं कल सुनो, हूं 3 मिंट दे नाले चले गए ने, मैनू लग रहा गल कर रहे चले गए। अरुण स्वामी जी हूं आप करते हैं, तरुण स्वामी हूं आप भोग पाने नैना, ठीक है नैना अपने ऊपर कर लो, ये हाईलाइट अपने ऊपर करो और फिर हम विश्राम की तरफ चलते हैं और सवेरे 7 बजे फिर मिलेंगे हैं, संडे सुबह 7 बजे आपके इंडिया के साथ। वाह जी वाह, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 गोविंद हरे हरे आज के आनंद की जय। ओम परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा जय, आपकी आपकी वाटिका के सभी संतों को सभी पुष्पों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी दरबारों पे सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम और सभी दरबार पे सजे हुए गद्दी नशीन संतों को कोटि कोटि प्रणाम। अंतर जामी पुरख बिथाले नानक दास है सुख मांगे मोको पर संतन की दूरे। सही प्यारे मिलो महाराज जी जिन्हां मिला आप जी दा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत्श्रीयाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।